हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक स्किन लाइटनिंग फेस मास्क बना के दिखाऊंगी, जिसको आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको तीन चीजों की जरूरत है, और दोस्तों ये हाइड्रोक्विनोन के जैसे जो स्किन लाइटनिंग इफेक्ट देता है वो आपको इजीली घर पे, ये केमिकल फ्री है और ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनिकली आपके स्किन के स्पॉट्स को लाइटन करेगा। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कर्ड, यानी कि दही जो होती है ये लैक्टिक एसिड में रिच होता है, और ये एक बहुत ही जेंटल स्क्रब होता है आपके स्किन के लिए। आपके स्किन के जो भी डेड सेल्स है उसको ये रिमूव करता है, आपके पोर्स को डीपली क्लीन करता है, और साथ ही साथ दोस्तों आपके स्किन को मॉइस्चराइज एंड बहुत ही नरिश करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल हो जाती है। तो दोस्तों, कर्ड हमें बहुत अच्छा है अगर आप इसमें यूज करें तो। और दोस्तों, सेकंड हमें चाहिए मुलेठी, यानी कि लिकोरिस पाउडर। दोस्तों, मुलेठी विटामिन बी और विटामिन ई में रिच होता है, और साथ ही साथ इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है ग्लैबुलिन। ये जो है ये आपके स्किन को यूवी जो भी रेज होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं और सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में कभी जो भी सन के स्पॉट्स होते हैं या ए स्पॉट्स होते हैं वो नहीं आते, और आपकी स्किन में रिंकल्स भी नहीं होते हैं। और दोस्तों, ये एक बोल सकते हैं हाइड्रोक्विनोन का रिप्लेसमेंट है, क्योंकि आपकी स्किन को ये उतना ही ज्यादा ब्राइटन एंड लाइटन करता है जितना आप केमिकली एक्सफोलिएट करेंगे तो आपको मिलता है। तो दोस्तों, मुलेठी हम इंडियन घरों में बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, और आप इसको अगर स्किन पे अप्लाई करेंगे तो ये आपके एक्ने, पिंपल्स या रिंकल्स जिससे भी प्रॉब्लम्स है उसको ये मिटाएगा और आपको बहुत ही फेयर एंड ब्राइट स्किन देगा। और दोस्तों, थर्ड हमें चाहिए हनी। हनी जो है ये आपके स्किन के लिए एक सुपर फूड का काम करता है। ये बहुत अच्छा एक मॉइस्चराइजर है, आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से कॉलेजन प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो आपकी स्किन बहुत ही बेबी सॉफ्ट एंड बहुत ही ग्लोइंग रहती है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे करीब 2 टीस्पून ऑफ यहाँ पे मैंने कर्ड लिया है, और दोस्तों यहाँ पे 2 टीस्पून ऑफ मुलेठी और 1 टीस्पून ऑफ हनी लिया है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, बस इन तीनों चीजों को हमें एक साथ मिक्स कर लेना है, और दोस्तों इसका फेस मास्क तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, अब सारी चीजों को एक साथ मिला लें ताकि बहुत अच्छा एक मास्क बन जाए, स्मूथ बन जाए, और फिर हम इसे यूज कर सकते हैं। आप दोस्तों इसको चाहे तो बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, ये आपको 7 to 10 days तक ठीक रहेगा। और दोस्तों, इसको आप चाहे तो रोज भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा मास्क बना है, बहुत स्मूथ है ये। अब दोस्तों, अब क्या करें कि अपने फेस को आप अच्छे से क्लीन कर लें और इसे अप्लाई कर लें। इसके जो दाने हैं वो आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट भी करते हैं, और दोस्तों ये आपकी स्किन को ब्राइट भी बनाते हैं। तो दोस्तों, आप इसे 30 मिनट्स के लिए ऐसे रखें, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से धो लें। तो दोस्तों, अब आप देखें, मैंने हाथों को धो लिया है, कितना ज्यादा ये क्लीन लग रहा है और बहुत ही फ्रेश एंड ग्लोइंग हो गई है। दोस्तों, बहुत ही सॉफ्ट हो गई है और हाइड्रेटेड भी है। तो दोस्तों, डेफिनेटली आप मास्क को इसे जरूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा होगा आप अगर स्किन पे अप्लाई करेंगे इसको रोज, क्योंकि ये आपके डेली के जो भी सन टैन है या सन डैमेज है उसको बिल्कुल आगे नहीं होने देगा और आपकी स्किन को रिंकल फ्री रखेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। थैंक यू।